हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडर विद तन्मय। आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आया हूँ। एक बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। अगर वो मुसीबत को मैं नोटिस नहीं करता तो शायद मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, वाइल्ड राइडिंग। तो चलिए मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ कि वो चीज़ है क्या। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि मैं एक राइड पर गया था। वो राइड पे क्या हुआ, मेरे ब्रेक पैड है ना घिस चुके थे, तो मेरे को आफ्टर मार्केट लगाने पड़े क्योंकि कहीं पर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं थे। मैंने लगवा तो दिए, लेकिन उसके बाद मैंने महीने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी ब्रेक कम लग रही थी। तो उसमें रीज़न ये था कि देखिए, इतनी मोटाई है, इतनी मोटाई होनी चाहिए डिस्क की, लेकिन आप देख सकते कितनी बची है, इतनी, मतलब मेरे ख्याल से 1.5 mm जितनी ही रही है थिकनेस। ये पैड के बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ। मुसीबत खड़ी हो जाती अगर मैं ये चीज़ नोटिस नहीं करता। धीरे धीरे ये डिस्क पूरी घिस जाती, चालू बाइक में टूट जाती, मेरा टायर जाम हो जाता और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। या तो मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर होते या कुछ भी हो सकता था, इमेजिन नहीं कर सकते, वो भी हो सकता था। चलिए नई परचेस करते हैं, डिस्क और पैड्स परचेस करते हैं, फिर अब अपने सोहेल भाई के पास ही चलते हैं, इंस्टॉल करवाएंगे। रुको रुको रुको, सोहेल भाई के पास जाना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर ये वीडियो कोई होंडा ऑफिशियल से कोई देख रहा है तो उसको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं कम से कम 1 month से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी बाइक की डिस्क मिल जाए, डिस्क मिल जाए। कहीं अवेलेबल नहीं, सूरत जैसी सिटी में, सूरत जैसी बड़ी सिटी में कितने सारे शोरूम हैं, कम से कम 6 से 7 तो मेन डीलरशिप है, बाकी छोटे मोटे तो बहुत होंगे सर्विस सेंटर। कहीं पर ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट होंडा का अवेलेबल नहीं था, कहीं भी नहीं। एक बंदे ने मुझे अरेंज करके दिया महीने की ट्राई करने के बाद, वो है सोहेल भाई। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, मेरी गाड़ी की सारी सर्विस मैं उनसे ही करवाता हूँ। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ऐसी कोई दिक्कत में हो जो पार्ट अवेलेबल नहीं है सूरत में, तो आप जाइए उनको मिलिए, उनसे एक बार बात करिए, वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद अगर मिल जाता है तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं मिलता है फिर भी वो आपको बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे करो, शायद हो सके अवेलेबल हो जाए। आप नोटिस कर रहे हो, आपको डिस्क बता रहा हूँ, हाथ काले हो गए, यही एक बाइकर की निशानी है, हाथ पैर काले हो जाते, लेकिन जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल। तो देखिए, मैं आया हूँ नवजीवन होंडा बेस्तान सूरत। ये है सोहेल के बड़े भाई समीर भाई। ये सोहेल भाई आप तो पहचानते ही हुए ना, इन्होंने हमारे लिए डिस्क ओरिजिनल पार्ट अवेलेबल कराया है। ये देख के बहुत खुशी हो रही है, और भाई हमारे लिए बहुत मेहनत की है, ये ओरिजिनल पैड्स भी अवेलेबल करा दिए। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सोहेल भाई के गैरेज पे। तो हमने जो पार्ट परचेज किया है वो ये रहा, होंडा की ओरिजिनल डिस्क जैसे मैंने आपको बताया, और ये है होंडा के ब्रेक पैड्स। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे पार्ट नंबर दिया गया है और प्राइस दिया गया है, मुझे कुछ 700 rupees में पड़ा है। और ये है डिस्क, डिस्क का पार्ट नंबर देख लीजिए, ये 1,329 rupees में मुझे पड़ा है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आपको ये, आप ये पार्ट परचेस करते हो ठीक है, तो आपको इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर बाहर से आफ्टर मार्केट कोई भी डिस्क खरीदते हो तो वो कोई भी कंडीशन में बबल रैप फुल्ली पैकेज नहीं आता है। बबल रैप में उसको सिर्फ ऐसे लपेट के रख दिया गया होता है, और ये सील पैक भी नहीं आता है। प्लस ये बारकोड ओरिजिनल नहीं रहेगा, अगर आप ये बारकोड स्कैन करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट ओरिजिनल है ठीक है। तो आप ये देख सकते हो बबल रैप है, फुल्ली बबल रैप में सील किया हुआ है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक में भी सील किया हुआ है, टैग है, ये भी उसका टैग है, ये आप ध्यान से देख सकते हो। और ये पैड भी सील पैक है, आप देख सकते हो ठीक है, एकदम ओरिजिनल है। तो अब ये चीज़ अपन इंस्टॉल करते हैं। ये है पैड को होल्ड करने का पूरा मैकेनिज्म, कैलिपर। सोहेल भाई के पप्पा ने इसको पूरा अलग अलग कर दिया है, टायर भी निकाल दिया है।
ये रहे वो दुश्मन पैड, ब्रेक पैड, जिसने अपने डिस्क की वाट लगा दी। आप देखिए, मैं इसको छू भी नहीं सकता, बहुत ऑयली है, लेकिन आप देखिए सालों ने बहुत बड़ा बहुत मोटा खर्चा करवा दिया। क्या करे, बाइक है, बड़े शौक है, बड़े शौक पालने के लिए तकलीफ तो रहेगी, आप भी समझ सकते हो। पूरे घिस गए, पूरे चिकने हो गए। आइंदा किसी को मैं ये सजेशन भी नहीं दूंगा कि आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड यूज़ करो, भले आपको सस्ता पड़ेगा स्टार्टिंग में, या कोई मजबूरी में आप लगवा दो तो वो बात अलग है, लेकिन आगे जाने के बाद जो खर्चा आएगा, आज मैं भी वो दिन याद कर रहा हूँ कि मतलब नहीं डलवा था तो ही अच्छा था, अब डलवा दिया, कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करे, परेशान हो गए इस चक्कर में। एक नई बात पता चली है कि यहाँ पे मेरी उंगली का जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो, वहाँ पे एक ड्रम रहता है। वो ड्रम क्या करता है कि जो पैड है उसको ऐसे पुश करता है, जब अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे पुश करेगा, फिर वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा, पुश करेगा वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा। तो जब मैंने आफ्टर मार्केट पैड डलाए थे तो उस बंदे ने क्या है ना, वो ड्रम को एडजस्ट नहीं किया था, उसमें ऑयलिंग नहीं किया था। अभी देखो आप ऑयलिंग किया है, देख सकते हो, ऑयलिंग करने के बाद क्या है, वो फ्री हो गया, पहले वो जाम था। तो उसने क्या किया, दोनों पैड को डिस्क के तरफ ऐसे पुश करके रखा, तो क्या हुआ, डिस्क और पैड दोनों घिसते चले गए। अगर मैं ब्रेक नहीं मारूं फिर भी वो घिसते थे, इस वजह से डिस्क में नुकसान काफ़ी शॉर्ट टाइम में हुआ, वरना मे बी लॉन्ग टाइम थोड़ा और चल सकती थी डिस्क, अगर ये इशू नहीं होता। हे गाइस, मैंने अभी आपको जो मेरे साथ जो मुसीबत हुई है, जो ड्रम की वजह से इतनी महंगी डिस्क जो थी, इतनी ड्यूरेबल जो डिस्क थी वो घिस गई है, वो चीज़ आप भी ध्यान रखना। आप कभी भी कोई भी गैरेज में कोई भी एक्सपीरियंस बंदे के पास जा रहे हो डिस्क चेंज करवाने या फिर पैड चेंज करवाने, मोस्ट प्रोबेबली आप पैड ही चेंज कराओगे, डिस्क की लाइफ अच्छी रहती है। अगर ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से डिस्क ख़राब हो सकती है, वरना डिस्क की लाइफ अच्छी खासी आती है। तो आप याद से ड्रम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनना, ड्रम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप चेक करना, आप बंदे के सामने चेक करना, अगर नहीं कर रहा है तो उसको बोलना कि तू मुझे एडजस्ट करके दे। क्योंकि क्या है, अगर आप दूर कहीं पे घर से दूर जा रहे हो और ये मुसीबत हुई ना, तो फिर आप मेरी तरह प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, फिर आप मजबूरी में कोई और पैड डलवाओगे, उसके बाद पैड डिस्क को ख़राब कर देगा। जितना हो सके ये आपके राइडिंग ग्रुप में आपके राइडिंग पार्टनर्स को शेयर करिए, ऐसी मुसीबत किसी के साथ ना हो। और अगर होता है, अगर आप सूरत से हो तो आपको मैं मेरे भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, सोहेल भाई, जिससे मैं काम करवाता हूँ, बहुत मेहनती, बहुत बेहतरीन बंदा है, बहुत जुगाड़ू बंदा है, जुगाड़ू इन सेंस आपको सारी चीज़ अवेलेबल करा देगा, आप खाली बोलिए आपको ये चीज़ चाहिए। सोहेल भाई कैसी लग रही है ब्रेक, डन है ना एकदम? सोहेल भाई ने भी टेस्ट राइड ले लिया है, आशा करते हैं कि अब एक नंबर चलेगी बाइक। बाकी सोहेल भाई के पप्पा ने तो बोल ही दिया है, उनकी जुबानी पक्की है एकदम। ये देखिए, ये अभी आपको गंदा लग रहा होगा, वॉशिंग भी करवाएंगे, चलिए वॉशिंग के लिए अपन निकलते हैं। A few moments later, ये नया डिस्क इंस्टॉल हो चुका है नए ब्रेक पैड्स के साथ में, आप देख सकते हो डिस्क की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, A1 क्वालिटी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अब आगे कुछ कह भी नहीं सकते, ये तो होंडा का जेन्युइन पार्ट है, मतलब मजबूत आई तो होंडा का, होंडा की शान कह सकते हैं हम। तो आप मेरी हालत देख ही सकते हो, पूरा दिन बाइक पे काम करवा के कैसी हालत हो चुकी है, थक गया हूँ मैं तो। ये हमारा वॉशिंग सेंटर है,
ये अपनी बाइक चल रही है, आप देख सकते हो। अच्छे से फोम वॉश करेंगे, तैयार करेंगे हमारी दुल्हन को। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सूरत में बहुत गर्मी हो चुकी है, भयंकर 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है दोपहर में। तो देखिए आप, टाइम लैप्स एंजॉय करिए। तो आप देख सकते हो गाड़ी एकदम चमक गई है, ये भाई ने वॉश की है। ये दुकान है ऑटो सॉल्यूशन, यहाँ पे आप गाड़ी का डिटॉक्स भी करवा सकते हो, वॉशिंग करवा सकते हो। वॉशिंग का इनका स्पेस बहुत बड़ा है, आराम से दो गाड़ियाँ एक साथ वॉश हो सकती है। भाई आपका नाम क्या है? योगी व्यास। योगी? हाँ। वाह, नाम भी योगी, लगता है यूपी से हो। हाँ भैया, बाबा जी के, बाबा जी के नगर से हो। ये देखिए एकदम चमक रही है गाड़ी, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे आके वॉश करवाइए। और यहाँ पे योगी भाई से मिलिए, और भी बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, अभी सब काम पे लगे हुए। तो चलिए अब ये ब्लॉग का एंड करते हैं। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके बाय, मिलते हैं अगले कुछ नई चीज़ से, कुछ नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग से। और उसके बाद आई थिंक सो 2-3 महीने बाद आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आएंगे।